This is called heaven. This is called heaven, guys. This is called heaven. देखिए बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही, और मैं आपको एक चीज़ नया दिखाता हूँ। यहाँ जाने के लिए हमें कैसे जाना पड़ता है, आप साउंड तो सुन सकते हैं, शायद मेरा पूरा वॉइस यहाँ ख़त्म कर दे, ये जो वाटरफॉल का साउंड है। तो इसमें जाने के लिए हमें एक ये छोटा सा सकरा सा रास्ता मिलता है। तो यहाँ थोड़ा स्पाइडर है भाई, आप देख सकते हैं स्पाइडर ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ। तो इस तरफ से हमको ऐसे जाना है, एंड ये थोड़ा स्लीपी भी है। स्लीप आ सकते इस तरफ से जो है यहाँ से निकलना है। तो इस तरीके से निकलना है, देखते हैं बाकी लोग। नीचे से आओ भाई, कैसे आते हैं नीचे से, आइए 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 आगे की तरफ आइए। थोड़ा स्लीपी है देख के, तो आई एम टेलिंग एवरीवन की थोड़ा स्लीप कर रहा है प्रेम, स्लीपी है थोड़ा। दिस इज खारकोआ राइडर्स आर रेडी टू गो। ए रवि कोल पीछे घूरो, पीछे पीछे, हाँ यू कैन सी द लोगो, लोगो ऑफ खारकोआ राइडर्स। तो आज की राइड हमारी फिर से मेघालय की ओर। सामने भाई साहब इसके लिए बार बार मेघालय मेघालय क्या पूछ रहे हो यार, सामने इसके लिए। तो निकलते हैं अब राइड पे। तो पहुँच चुके हैं जोराबाट, और यहाँ से लेना है राइट जो कि हमें हमारे डेस्टिनेशन के पास ले जाएगी। राइट, और चलिए इस कारवा पर आगे बढ़ाते हैं, एंड मैं आपको बिल्कुल मिलता हूँ थोड़े से आगे, मीन्स जहाँ हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे वहाँ। तो पहले कुछ नहीं होगा वहीं पे जाके मैं रुकने वाला। तो गुड मॉर्निंग मेघालय। तो मेघालय बोलते ही समझ गए होंगे कि बार बार पता नहीं ये शिव प्रधान मेघालय क्यों चला जाता। मेघालय से थोड़ा प्यार है, यहाँ के पहाड़ों से प्यार है, इसके लिए बार बार आता हूँ मैं। तो आज हमारा एक ग्रुप फॉर्म हुआ है खारकोआ राइडर्स, तो इन राइडर्स को लेके आज हम लोग आए हैं मेघालय। सब लोग मिलके आज हम लोग स्टे करेंगे मेघालय में। सबसे पहले आप सभी लोगों को आपके अपने चैनल से प्रधान पे स्वागत करता हूँ। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त से प्रधान। तो आगे की कहानी बड़ी होने वाली है, इंटरेस्टिंग। हम लोग बहुत सारे फन करने वाले हैं, वहाँ पर कैंपिंग करके रहेंगे, तो सब कुछ मैं आपको दिखाऊँगा एक एक पार्ट अच्छी तरीके से। तो बने रहेगा चैनल में मेरे साथ, क्योंकि आने वाला है बहुत ज़्यादा मज़ा। तो फिलहाल तो रुके हैं एक ब्रेकफास्ट के लिए, ब्रेकफास्ट आ रहा है सभी का, तो मिलते हैं हम लोग ब्रेकफास्ट आने के बाद। तो टी हैज अराइव, बना सकते हैं क्या, बोलो। चाय पहले पियेंगे, ये सब सही है। फोकस नहीं है, रोटी खा रहे हैं भाई लोग। क्या खा रहे हैं आप? चाय ठीक है, रोटी रोटी। क्या प्रेम से भाई ने किया आपका? मेरा भी आने वाला है, मैं थोड़ा वेट कर रहा हूं। आया नहीं ड्रेस, आया नहीं टारगेट पे फंसा हुआ है, अभी कहीं का आया नहीं, सबका टाइम आएगा। कहां गए उधर बता, आओ दो सही है। हेयर स्टाइल देखो कितना अच्छा है, अंदर बना है आपको सबसे जरा खत्म हो गया। भाई भाई साफ खा रहे हैं, चले चलते हैं, इसका टेंशन है घर। तो ब्रेकफास्ट ख़त्म करने के बाद फिर से स्टार्ट हो गया हमारा ये राइड। तो चलिए करते हैं यात्रा को प्रारंभ यहाँ से, एंड अब आपको मिलता हूँ एकदम आगे की तरफ जहाँ थोड़ा व्यू थोड़ा अलग होगा। तो वेट कीजिए, बने रहिए वीडियो में, आने वाला है बहुत ही ज़्यादा मज़ा। तो बहुत ही लंबा जाम, कम से कम 10 किलोमीटर आप शायद ख़त्म हो, क्योंकि आगे से दो वे चला जाएगा, एक चला जाएगा मोशिन ग्राम की तरफ और दूसरा जाएगा चेरापूंजी की तरफ, और हमको जाना है मोशिन ग्राम की तरफ। तो मोशिन ग्राम चलते हैं भाई लोग। व्यू जो है मैं थोड़ा तो सीधा करके दिखाने की कोशिश करता हूँ, बहुत ही अच्छा व्यू है, बहुत ही बढ़िया व्यू है। एंजॉय करना, घुसिए जा मुझे GoPro स्टॉप रिकॉर्डिंग। कारवा अब आगे से निकलने वाला है राइट की ओर, यानी कि मोशन ग्राम की तरफ।
ये लगा हुआ है बोर्ड, आप लेफ्ट जाएंगे सीधे चले जाएंगे चेरापूंजी की ओर और राइट लेंगे तो सीधा मौसम का। सो वेलकम वेलकम गाइस, वेलकम टू वॉल्स वेटेस्ट प्लेस, सबसे वेट प्लेस जो है पूरी दुनिया में, शायद एशिया में या दुनिया में, पता नहीं, वॉट एवर, आई एम कन्फ्यूज, पर जो भी हो हमेशा यहाँ गीला ही रहता है, हमेशा बारिश, आज भी बारिश हो गई, चली गई, हमें तो मिला नहीं बारिश, बट एक दो छींटे जो है बारिश से वो नज़र आ रहे हैं। बहुत ही छोटा रास्ता है, आप बाइक जो है 40 के ऊपर ले जा नहीं सकते, रास्ता अभी तक तो ठीक ठाक ही है, ऐसा कुछ है नहीं। बीच में हमें सिटी में थोड़ा सा ऑफ रोड मिल गया था, बट अभी ठीक है रास्ता, भले जंगलों के बीच में है लेकिन ये थोड़ा गाड़ी का माता जाता होगा, इसके लिए रास्ता थोड़ा अच्छा है। यहाँ से नज़ारे बहुत ही बेहतरीन दिख रहे हैं नीचे की ओर, मेरी सही होगी अगर रिपोर्ट कर रहे हैं तो पता चल ही जाएगा, ले लूँगा। एक अजीब सा पेड़ है जो कि पहाड़ों में एकदम फैल के बैठा हुआ है, पेड़ तो नहीं ये कोई झाड़ है, ये वाला तो पूरे पहाड़ों पे है ये, आप यहाँ देख सकते हैं ऊपर की तरफ, तो बहुत ही सुंदर लग रहा है, पता नहीं ये है क्या, बस बहुत ही अच्छा लग रहा है। GoPro stop capturing। सो मोसिन ग्राम रह गया है 25 किलोमीटर, बट हमें शायद यहाँ से 40 मिनट से एक घंटा लग जाए, क्योंकि रास्ते का हाल जो है थोड़ा ठीक नहीं, रास्ता ठीक नहीं है, बहुत सारे थोड़ा हम तो निकल जाएंगे, बट मेरे पास दूसरे भी बाइकर हैं जिनके पास हिमालयन या छोटा सा गेटअप, एंड कैसा लग रहा है ये थोड़ा बताइएगा जरूर। सो फाइनली रीच मोसिनग्राम स्टार्ट होता है यहाँ से। लास्ट टाइम भी मैंने एक वीडियो बनाया था, शॉर्ट्स वीडियो भी बनाए थे, बहुत ही बढ़िया। यहाँ के नीचे की तरफ मैं दिखाना चाहूँगा आपको, बहुत ही अच्छा व्यू है, बट फोगी होने की वजह से कुछ नहीं दिख रहा है, बट इस वेदर का भी हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं मजा। देखिए लोग अपना गेटअप चेंज करके जो है फोटोज लेने के लिए अपना गेटअप सारा चेंज कर चुके हैं सब लोग, तो ऐसा ही कुछ है यहाँ का नजारा। तो चलिए थोड़ा मिलते हैं आगे जब हम पहुँचेंगे मोसिनग्राम। तो कीजिए गैस, पहुँच गए हैं एक अच्छे से वाटरफॉल पे, देख सकते हो पीछे की तरफ पूरा वाटरफॉल, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये रहे हमारे बाइक्स, कुछ राइडर्स जो है अपने फोटोज क्लिक करते हुए,
बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अद्भुत नज़ारा। ओके तो चलिए यहाँ से भी अब चलते हैं, निकलते हैं, पहुँचते हैं मोहसिन ग्राम जो कि रह गया 15 किलोमीटर, एंड वहाँ मिलते हैं। तो फाइनली पहुँचने वाले हैं कैंप साइट पे, लाउबा पहुँच गए भाई साहब, और ये हमारा कैंप साइट, कैंप साइट भी आ गया। ये देखिए बहुत सारे स्पीड ब्रेकर हैं यहाँ पे, इसका ध्यान देना पड़ेगा भाई। सो फाइनली खारखोर राइडर्स रीच टू द प्लेस, पहुंच गए हम लोग कैंप साइट पे। तो फिलहाल इनका किचन है, एंड उस नीचे की तरफ जो है कैंप साइट होगा उस तरफ, एंड ये हमारा यहाँ डाइनिंग रूम, आगे की तरफ सारे बाइक्स लगे हुए हैं, आगे की तरफ बाइक्स लगे हुए हैं। तो ऐसा ही कुछ है नज़ारा। चलिए पहले खाना खा लेते हैं, लंच कर लेते हैं, उसके बाद जाएंगे वाटरफॉल पे, करेंगे कुछ एक्सप्लोर वहाँ नया कुछ। एंड चलिए तो मिलता हूँ मैं आपको फिर से उसी वाटरफॉल पे जहाँ पे मैंने पहले आपको ले गया था। सो फूड हैज कम, आप देख सकते हैं ये है आलू भुजिया, ये है चटनी, यहाँ है चिकन, एंड ये है दाल, वो है राइस। तो चिकन थोड़ा लिमिटेड है, दो दो पीस करके सबको, क्योंकि ये थाली में आता है, ज़्यादा है नहीं तो सब लोग भूखे। ये देख रहे हैं आप, ये भूखर देख रहे हैं आप लोग, देखिए कभी इन जानवरों को भी कुछ खिलाया कीजिए। तो यही अवस्था है, यही हाल है। तो खाना खाना धीरे धीरे शुरू हो रहा है सबका, तो चलिए खाना खाने के बाद चलते हैं वाटरफॉल की तरफ। सो खाना खाने के बाद नूर का रिएक्शन, नूर खाना बढ़िया, मस्ती मस्ती मीन्स अच्छा है, ठीक है, हिंदी में बोलना है। यस, क्या कर रहे हो? गावरी, गावरी मीन्स पोर्क, अनमरा गावरी। रफिकुल, एक्सपीरियंस कैसा है अभी तक का? अच्छा है। अच्छा है, अच्छा है। पर यहाँ ये गंदे लोग गंदे काम करते हुए, हम तो उसमें लेते नहीं भाई साहब, ये इन्होंने बड़ा 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 ये बाकी तो हम लेते नहीं है, तो नहीं है। ये है मेन मेन प्लेयर इनका, उसको लगाओ, उसको लगाओ, लगाओ। एवरीवन वेयर द लाइफ जैकेट्स, देख सकते हैं आप सब लोगों ने अपना अपना लाइफ जैकेट जो है पहन लिया है। उसके बाद हम लोग यहां से ट्रेक करके जो है नीचे की तरफ जाएंगे वाटरफॉल की तरफ। सो लेट्स गो, लेट्स गो, वी आर रेडी। सो जा रहे हैं अभी हम लोग नीचे वाटरफॉल की तरफ, दे आर आवर गाइड्स, वी हैव टू गाइड्स टुडे। दिस इज द न्यू वे और व्हाट? दिस इज द न्यू वे ना, लास्ट टाइम वी वेंट फ्रॉम द हियर। ओके 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 एवरीवन, होली मोली गाइस, वेयर आर यू? कम फास्ट, पेशाब कर रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं यहाँ पे लोग। तो वीडियो बहुत ज़्यादा हो रहा है लंबा, तो करते हैं यहीं इस वीडियो को ख़त्म, एंड आगे की ओर है वाटरफॉल। जो दूसरा जो वीडियो बनेगा इसका पार्ट टू, उसमें दिखाऊंगा उस वाटरफॉल को, एंड रात में कैमरे हमने क्या किया क्या नहीं किया वो भी मिलेगा आपको दूसरे वाले फुटेज पे, लाउबा पार्ट टू पे। एंड चलिए करते हैं इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म, एंड थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। इतना प्यार, इतना सपोर्ट देने के लिए आप लोगों का शुक्रिया।